नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजकीय महाविद्यालय टोंक से। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चरर में हमने विभज्योत की ऊतकों का वर्गीकरण पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन, जिसमें ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, प्लांट बॉडी में पोजिशन के आधार पर और कार्य के आधार पर, इन चार प्रकार से जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। शीर्षस्थ विभज्योतक एंजियोस्पर्म पादपों की रूट और स्टेम एवं इनकी जो शाखाएं होती हैं उनके शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, और ये जो शीर्ष भाग होते हैं इन्हें वृद्धि बिंदु कहा जाता है, ग्रोइंग पॉइंट कहा जाता है, और इन ग्रोइंग पॉइंट के फलस्वरूप ही, अर्थात एपिकल मेरिस्टेम के फलस्वरूप ही, इन पादपों की लंबाई में वृद्धि होती है, जो कि दो प्रकार का होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। पैरों जो है अग्रस्त भाग होता है। इसी के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, इसके संगठन को समझाने के लिए, इनकी कार्यविधि को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, जिनमें प्रमुख सिद्धांत है एपिकल सेल थ्योरी, स्ट्रोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस, स्ट्रोजेनिक लेयर थ्योरी, मेंटल कोर थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल, और लास्ट में है सातवें नंबर पर न्यूमैन का सिद्धांत। तो ये सात सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, एपिकल मेरिस्टेम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे समझाने के लिए दिए गए थे, और ये सभी स्टेम एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए दिए गए थे। अब हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हॉपमिस्टर के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका विस्तृत जो विवेचन किया गया था, इसका डिटेल स्टडी जो है वॉल्फ एंड नागेली के द्वारा की गई थी, और नागेली ने इन विभाजनशील कोशिकाओं को मेरिस्टेम कहा। स्तंभ का जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग में इस सिद्धांत के अनुसार केवल एक विभाजनशील कोशिका पाई जाती है, और इस विभाजनशील कोशिकाओं के द्वारा ही अन्य सभी कोशिकाओं की व्युत्पत्ति होती है, यानी कि अन्य सभी कोशिकाएं इसी कोशिका से डिराइव होती है। इस थ्योरी के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम सिंगल सेल का बना होता है, जिसे एपिकल सेल कहा जाता है, और इस एपिकल सेल की पार्श्व सतहों पर एक, दो या दो से अधिक, यानी कि तीन तलों पर कोशिकाएं काटने का कार्य करती है, और इस प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात नए ऊतकों का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत एपिकल सेल थ्योरी जो है शैवालों के ऊपर, ब्रायोफाइट्स के ऊपर और कुछ टेरिडोफाइट्स के ऊपर लागू होती है, अर्थात इनके शरीर के डेवलपमेंट को यह ठीक प्रकार से समझाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म की यदि हम बात करें, तो एंजियोस्पर्म का जो स्टेम एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके डेवलपमेंट को समझाने में असमर्थ रहती है। एक डायग्राम है यहाँ, और इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। ये एपिकल सेल होती है, और ये एपिकल सेल जो है दो, एक दो या तीन तलों में विभाजित होती है, और विभाजित होकर के जो है अनेक डेराइव्ड व्युत्पन्न सेल्स का निर्माण करती है, और ये सेल्स आगे चल करके जो है ऊतक का निर्माण करती है।
देखिए यहाँ पर भी एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट आता है हिस्टोजन थ्योरी। यह सिद्धांत हाइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह सिद्धांत रूट और स्टेम दोनों के ही एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने में सफल रहा। इस सिद्धांत के अनुसार मूल और तने के जो शीर्षस्थ भाग होते हैं वहाँ पर तीन रीजन पाए जाते हैं, तीन क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि तीन परतों का निर्माण करते हैं। ये तीनों ही परतें हिस्टोजन कहलाती है, जिसमें पहली परत होती है डर्मेटोजन, दूसरी होती है पेरिबलम और तीसरा होता है प्लूरॉन। डर्मेटोजन आउटर मोस्ट लेयर का निर्माण करता है अर्थात एपिडर्मिस बनाता है, पेरिबलम कॉर्टेक्स का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत हाइपोडर्मिस सेकेंडरी सॉरी कॉर्टेक्स प्रॉपर एंडोडर्मिस का निर्माण होता है, और प्लूरॉन के अंतर्गत स्टेल का निर्माण होता है जिसके अंतर्गत पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल मेडुलरी रेज और पिथ का निर्माण होता है। कुछ वैज्ञानिक जो है एंडोडर्मिस को भी प्लूरॉन का पार्ट मानते हैं। तो इस प्रकार से इस हिस्टोजन थ्योरी को यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है जिसमें इनकी तीनों ही लेयर्स को यानी कि डर्मेटोजन पेरिबलम और प्लूरॉन जिसमें बाह्य जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो डर्मेटोजन जिससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है और मध्य में पेरिबलम जिससे हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स प्रॉपर और पेरिसाइकिल इन तीनों का निर्माण होता है और प्लूरॉन से जो है पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल्स मेडुलरी पिथ का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। यह सिद्धांत सेमिट द्वारा 1924 में दिया गया था। इस थ्योरी के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम में दो परतें होती है ट्यूनिका और कार्पस। ट्यूनिका बाहर वाली लेयर होती है और कार्पस अंदर वाली लेयर होती है। ट्यूनिका की सेल्स एंटी कनाइलन डिवीजन से विभाजित होती है। एंटी कनाइलन का मतलब होता है कोशिका की अक्ष के लंबवत होने वाला डिवीजन एंटी कनाइलन डिवीजन कहलाता है। कार्पस की बात करें तो इसमें सभी तलों में विभाजन होता है और शेष सभी ऊतक कार्पस से बनते हैं, यानी कि हाइपोडर्मिस से लेकर के पिथ तक के जितनी भी लेयर्स होती हैं उन सभी का निर्माण कार्पस से होता है। जबकि ट्यूनिका के अंतर्गत जो एंटी क्लाइनर डिवीजन होता है उससे केवल सेल्स की संख्या बढ़ती है लेकिन लेयर्स की संख्या परतों की संख्या नहीं बढ़ती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा केवल सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है और ट्यूनिका के द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होता है, अर्थात ये सामान्यतः सिंगल लेयर्ड होती है, कभी कभी मल्टी लेयर्ड होती है। मल्टी लेयर्ड की होने की उपस्थिति में सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस बनाती है, अर्थात सबसे बाहरी जो परतें होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। नेक्स्ट आता है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डर्मेन के द्वारा किया गया था। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत को नकारते हुए इसका डेवलपमेंट किया गया था। इसके अनुसार वृद्धिकारी जो शीर्ष भाग होते हैं उनमें कई स्तर पाए जाते हैं और इनकी जो आधारभूत संख्या होती है वो तीन होती है, लेकिन ये तीन से अधिक भी हो सकते हैं और इन्हें L1, L2, L3, L4 आदि नाम दिए गए थे। इनमें से जो L1 होता है उसके द्वारा स्तंभ और जो पर्ण होती है उनकी एपिडर्मिस का निर्माण होता है, जो L2 होता है उसके द्वारा हाइपोडर्मिस का कॉर्टेक्स का और वैस्कुलर ऊतकों का कुछ भाग बनता है, जबकि L3 के द्वारा संवहन ऊतकों का जो शेष भाग होता है उसका निर्माण होता है और साथ ही
पिथ का मज्जा का निर्माण होता है। डरमैन ने इन सभी स्तरों को लेयर्स को हिस्टोजेनिक लेयर कहा था। मोटे मोटे रूप से यदि हम कहें तो हेस्टिन के द्वारा जो हिस्टोजेनिक थ्योरी दी गई थी ये उसके समान ही है, अतः इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा कोई समर्थन नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है पांचवे नंबर का जो सिद्धांत है वो है मेंटल कोर सिद्धांत। मेंटल कोर सिद्धांत पोपाम और चाम के द्वारा जो है 1950 में दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने बताया कि जो स्तंभ की जो एपिकल कोशिकाओं का जो एक समूह होता है वो बाहर की तरफ एक डोम शेप्ड यानी कि मुग्धकार कोशिकाओं के स्तर के लिए मेंटल तथा केंद्र भाग के और केंद्र भाग की ओर जो परतों के लिए जो है कोर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। और ये बात वैसे ट्यूनिका कार्पस वाद का ही एक दूसरा रूप है। देखा जाए तो इसमें केवल शब्दावली का परिवर्तन है, जैसे ट्यूनिका के लिए मेंटल और कार्पस के लिए कोर शब्द का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कोर को तीन भागों में बांटा गया है, सब एपिकल मेरिस्टेम, सेंट्रल जोन मेरिस्टेम और पेरिफेरल मेरिस्टेम। सब एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा यानी कि यह जो सब एपिकल मेरिस्टेम पार्ट होता है यह मेंटल के ठीक नीचे होता है। कभी कभी मेंटल के जो नष्ट हो जाने पर इसके द्वारा मेंटल का निर्माण किया जाता है। सेंट्रल जोन मेरिस्टेम की बात करें तो इसके द्वारा पिथ का निर्माण किया जाता है और पेरिफेरल मेरिस्टेम के द्वारा शेष सभी ऊतकों का निर्माण किया जाता है, जैसे कॉर्टेक्स भी है इसमें और प्रोकेम्बियम, इनका भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि सबसे बाहरी जो भाग होता है ये जो सबसे बाहरी लेयर होती है जिसे मेंटल कहा जाता है, और इस मेंटल के नीचे ही जो कोर वाला भाग होता है ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ये कोर वाला पार्ट कहलाता है। और इस कोर वाले पार्ट को भी तीन भागों में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें है सब एपिकल, पेरिफेरल और सेंट्रल मेरिस्टेम। ये जो सब एपिकल मेरिस्टेम होता है यह पार्ट जो है मेंटल के ठीक नीचे होता है और इसी के द्वारा भविष्य में मेंटल के नष्ट हो जाने पर मेंटल का निर्माण किया जाता है। और ये जो पेरिफेरल पार्ट होता है इस पेरिफेरल पार्ट के द्वारा यहाँ पर पिथ का निर्माण किया जाता है। और जो सेंट्रल जो पेरिफेरल पार्ट होता है इसके द्वारा प्रोकेम्बियम और कॉर्टेक्स का निर्माण किया जाता है। सेंट्रल जो मेरिस्टेम है इसके द्वारा पिथ का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंच स्कूल मॉडल, अर्थात हम कह सकते हैं फ्रेंच स्कूल का मत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। इस सिद्धांत के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम में तीन क्षेत्रों की उपस्थिति को माना और उन्हें तीन अनेक भिन्न भिन्न नाम दिए गए। पहला है एन्यू इनिशियल या इसे पर्दीय सक्रिय क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा आता है मेरिस्टेम डी अटेंटे, अर्थात इसे प्रत्यक्ष विभिज्योतक यानी कि वेटिंग मेरिस्टेम कहा जाता है। और तीसरा आता है मेरिस्टेम मेडुलर अर्थात मज्जा विभिज्योतक पिथ मेरिस्टेम। एन्यू इनिशियल के द्वारा स्तंभ के जो बाह्य पर्दीय ऊतक होते हैं जिसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, इनका निर्माण किया जाता है। और मेरिस्टेम डी एंटिटी होता है इसके द्वारा बाह्य और केंद्रीय इन दोनों के मध्य का जो पार्ट होता है उसका निर्माण किया जाता है। और केवल फ्लावरिंग के समय, पुष्पन के समय ही यह एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और सक्रिय होकर के पुष्पकर्म और पुष्पों का निर्माण करता है। बाद में बोबेट वैज्ञानिक ने इसे पुनः दो रीजन्स में डिवाइड किया, एक होता है प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजिन और एक होता है प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टे कोलर। यहाँ एक इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि एन्यू इनिशियल, प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजेनी, प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टे कोलर, प्रोमेरिस्टेम मेडुलरी। तो मध्य के ये दोनों भाग प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजेनी और रिसेप्टिकल मिलकर के मेरिस्टेम आइडेंटिटी का निर्माण करते हैं, और एन्यू इनिशियल और तीसरा आता है प्रोमेरिस्टेम मेडुलरी। तो ये तीन भाग यहाँ पर पाए जाते हैं।
इसमें प्रो मेरिस्टेम स्पोरोजेनी और प्रो मेरिस्टेम रिसेप्टिकल यानी कि मेरिस्टेम आइडेंटिटी, ये पार्ट फ्लावरिंग के समय ही एक्टिव होता है। तीसरा आता है मेरिस्टेम मेडुलर अथवा मज्जा विभज्योतक, यह केंद्रीय भाग होता है और इसके द्वारा फित का निर्माण और वैस्कुलर मंडल्स का निर्माण किया जाता है। इस बात का सबसे जो विवादास्पद जो बिंदु है वो ये है कि जो सेकंड पार्ट है जिसे हम वेटिंग मेरिस्टेम कहते हैं, अधिकांश अध्ययनों में ये पाया गया है कि ये भाग सदैव एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार यह भाग सदैव एक्टिव नहीं रहता है, केवल पुष्पन के समय ही एक्टिव होता है। यहाँ इस डायग्राम में भी इन तीनों पार्टों को अलग अलग करके दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट, न्यूमैन का सिद्धांत। न्यूमैन के द्वारा 1961 और 65 में शीर्ष स्तंभ शीर्ष के संगठन को समझाने के लिए इस सिद्धांत को दिया गया था। सूट अपेक्स, इस सिद्धांत के अनुसार सूट अपेक्स तीन प्रकार का होता है, मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स परतों के विभेदित नहीं होती है, परतों में विभेदित नहीं होती है, जिसके अंतर्गत उदाहरण आता है फर्नेस का, यानी कि एक ही प्रकार का यहाँ पर डिवीजन होता है और इस प्रकार का सूट जो है मोनोप्लेक्स कहलाता है। दूसरा सूट अपेक्स आता है सिंप्लेक्स, इसके अंतर्गत एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर दोनों प्रकार का डिवीजन होता है, और वह सूट अपेक्स जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स सिंगल लेयर के रूप में व्यवस्थित होती है। इसके एग्जांपल्स अधिकांश जिम्नोस्पर्म होते हैं। और ड्यूप्लेक्स, वह सूट अपेक्स जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स दो परतों में व्यवस्थित होती हैं, अर्थात ट्यूनिका और कार्पस, जिसके अंतर्गत नीटेल्स है और एंजियोस्पर्म्स है, ये सभी इसके एग्जांपल्स में आते हैं। इसके अंतर्गत भी एंटीक्लाइनन और पेनिक्लाइनन दोनों प्रकार के डिवीजन होते हैं, इन दोनों के द्वारा इनरमोस्ट लेयर का निर्माण होता है और एंटीक्लाइनन डिवीजन के द्वारा सुपीरियर लेयर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रूट अपेक्स और सूट अपेक्स होते हैं, उसमें से जो सूट अपेक्स होता है, उस सूट अपेक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी, उनको हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा। थैंक यू सो मच।